नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी पिछले 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि DSSB का जो MTS का एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपका कब आएगा और आपकी एग्ज़ाम डेट कब है। तो दोस्तों उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए, उसमें मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अभी तक तो वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं है, तो आपके हिसाब से RTI फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मैंने उस वीडियो में पूछा था। तो बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आए थे कि सर RTI इसकी फाइल कर दो। तो फाइनली दोस्तों मैंने DSSB MTS के रिकॉर्डिंग RTI फाइल कर दी है। क्या क्या मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, RTI मैंने कब फाइल करी, मैं सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करके जाएँ। दोस्तों आपके लिए मैं RTI फाइल कर रहा हूँ, कम से कम आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम आप वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक भी कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं, जो भी क्वेरी होते हैं, मैं सॉल्व करता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और अभी तक आपने DSSB MTS के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे, क्वेश्चन पेपर, वो यदि आपने वो डाउनलोड नहीं किया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा DSSB की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। ठीक है, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम में किसी भी प्रकार का MTS से रिलेटेड कोई भी एडमिट कार्ड का कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है, ये लिंक आपका कम से कम 15 दिन पहले आ चुका है, जिसके एग्ज़ाम्स 7 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में हैं, जो कि आपकी कुछ पोस्ट हैं उनके एग्ज़ाम, इसमें DSSB MTS का एग्ज़ाम आपका नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, जो आप जो मैंने RTI फाइल करी उसमें मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि RTI मैंने फाइल कब करी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं RTI जो मैंने दोस्तों फाइल करी है वो आज करी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं, ये मैंने हाइड कर दिया है, नेम हाइड कर दिया, डेट ऑफ फिलिंग 15/7/2024, यानी आज मैंने RTI फाइल करी है। ठीक है, इसके बाद है ऑनलाइन रेफरेंस नंबर, ये भी मैंने हाइड कर दिया है। ट्रांजेक्शन डिटेल्स आप देख सकते हैं, सक्सेसफुल रिक्वेस्ट फिल्ड विद DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो ये मैंने RTI कब फाइल करी, आज की डेट में 15/7/2024 को मैंने RTI फाइल कर दी है। ठीक है, अब मैंने जो क्वेश्चन पूछे मैंने वो आपको मैं दिखाता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे। हमारे मेन दो ही क्वेश्चन थे जो कि हमें जानना था। सबसे पहले हमें ये जानना है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS पोस्ट कोड 812/24 व्हेन विल द एग्जाम कंडक्ट मंथ ऑफ द डे, यानी इसका जो एग्जाम है आपका MTS का, जिसका कि पोस्ट कोड 812/24, इसका जो DSSB में जितनी भी वैकेंसी आती है दोस्तों, इसमें आप यदि किसी प्रकार की कोई भी RTI फाइल करते हैं तो आपको पोस्ट कोड लिखना बहुत जरूरी होता है। यदि आप पोस्ट कोड नहीं लिखेंगे तो आपको जो रिप्लाई होता है वो रिप्लाई आपको ढंग का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो मैंने ये पूछा है कि जो इसका एग्जाम है वो कब होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा है MTS पोस्ट कोड 812/24 व्हेन विल द एडमिट कार्ड कम, यानी इसका जो एडमिट कार्ड है आपका MTS का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है, तो मैंने दो क्वेश्चन ये पूछे हैं RTI में। ठीक है, RTI मैंने आज फाइल करी, हो सकता है इसका जो रिप्लाई है वो आपका 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आ जाए। ठीक है, बाकी मैं इसका स्टेटस ट्रैक करता रहूँगा, जैसे इसका कोई रिप्लाई या मैसेज मेरे पास आएगा मैं उस पर तुरंत वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इसका क्या रिप्लाई आया, इसका एग्ज़ाम कब होगा या इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आई होप दोस्तों जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी, यानी दो क्वेश्चन आपके थे, इसका एग्ज़ाम कब होगा और इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, सबसे ज़्यादा क्वेरी यही आ रही है मेरे पास, तो इसके लिए मैंने RTI फाइल कर दी। तो जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी आपके समझ में आई होगी। यदि आप की कोई और क्वेरी है MTS एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी आपको अवश्य दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।